नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है। पीएम आवास पर ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। बड़ी खबर, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, 10:30 बजे से पीएम आवास पर चल रही बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है। केंद्र कैबिनेट की बैठक हो रही है पीएम आवास पर, पीएम की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सुबह 10:30 बजे से यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है, और बीते 2 दिन से लगातार बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, जहां बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। 10:30 बजे से पीएम आवास पर बैठक हो रही है, जहां दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अहम बैठक बताई जा रही है, ये पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है कैबिनेट की। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, जिस तरह से 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है पीएम आवास पर, पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तलहा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मां संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम दिल्ली से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है, और पीएम आवास पर बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो केंद्र कैबिनेट की बैठक देखने को मिल रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और अगर बात करें बीते 2 दिनों की, तो बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया, जिस तरह से रोड शो किया, और दिल्ली में लगातार बीजेपी की बैठकें जारी हैं। और आज अगर बात करी जाए, तो केंद्र कैबिनेट की बैठक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। 10:30 बजे से बैठक शुरू हो गई है, जो कि पीएम के आवास पर है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाते दिखे युवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक को हजरतगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाते दिखे युवा। युवक को हजरतगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। युवक के साथ मौजूद थे एक नाबालिग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाते दिखे युवक। युवक को हजरतगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिन ये वीडियो काफी वायरल हुआ है, और ये वीडियो हजरतगंज का बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक पॉश एरिया हजरतगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसके बाद हजरतगंज पुलिस एक्शन में आई और पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक ग्रामीण परिवेश से आता है, तो वहीं युवक के साथ युवती भी मौजूद थी, जो कि नाबालिग बताई जा रही है। लखनऊ शहर के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में स्कूटी पर बेशर्मी करते युवक और युवती का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद DCP अपर्णा रजत और कौशिक ADCP राजेश श्रीवास्तव के निर्देश में हजरतगंज पुलिस ने एक्शन लिया और युवक के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अबू तलहा, अगर बात करी जाए इस वीडियो की, तो बीती शाम से ही ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस वीडियो के बारे में? देखिए बिल्कुल शिखा, अगर आपको बता दें तो कल देर शाम ये वीडियो वायरल हुआ था, हजरतगंज क्षेत्र में से ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां पे साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि एक युवक स्कूटी पर एक युवती को बैठाया हुआ था, और एकदम अश्लीलता की तरह वो बैठा के उस युवती को घुमा रहा था। फिलहाल जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरे मामले का संज्ञान हजरतगंज पुलिस ने लिया, और स्कूटी नंबर से युवक को ट्रेस किया गया, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल अब युवक की जो स्कूटी है वो सीज कर दी गई है, और साथ साथ जो युवक था उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है कि आगे भविष्य में इस तरह की जो हरकत है वो कोई युवक ना करे। जी शिखा जी, तलहा, ऐसा देखने को मिलता है कि अक्सर लोग पॉपुलर होने के लिए, रील्स बनाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई मामला सामने आया इस वीडियो को देखने के बाद?
जी देखिए, अब युवक की गिरफ्तारी हो गई है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए, युवक जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह की वीडियो बना रहा था। हालांकि ये जो वीडियो है ये रोड पे ही चलते किसी व्यक्ति ने बनाया था पीछे से, तब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि इसमें अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई सामने की पॉपुलर होने के लिए वो रील बनवा रहा था। पर देखिए, वीडियो इस तरह का हजरतगंज जैसे इलाके में तमाम जो लोग हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो ऐसी जगह से ये वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब युवक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ देखिए, जो युवक है वो ग्रामीण क्षेत्र का बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो हजरतगंज घूमने आया था, पर अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस वजह से उसने ये सब किया था। जी शिखा, तलहा अगर बात करी जाए यातायात पुलिस की, तो हजरतगंज जैसे एरिया में पुलिस काफी सतर्क रहती है और वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह की हरकत करना, क्या उस वक्त कोई एक्शन लिया गया था, गाड़ी रोकी गई थी इस युवक की, या फिर वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया गया है? देखिए, जिस रोड पे युवक गाड़ी चला रहा था उस रोड की अगर बात की जाए तो हर 100 मीटर के बाद तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। ऐसे में तमाम जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनकी इस युवक पर नजर नहीं गई। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए, जो अपर्णा रजत कौशिक है DTP सेंट्रल, उन्होंने भी तमाम जो ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी है जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे उनको भी तलब किया गया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक युवक उल्टी तरह से युवती को बैठा कर हजरतगंज जैसे इलाके से निकलता और किसी भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ती, तो देखिए एक बड़ी लापरवाही तो है ही है ट्रैफिक पुलिस की। पर जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, अब उस युवक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ देखिए, जो तमाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस रोड पर तैनात थे और देखिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ साथ जो लोकल पुलिस के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी तैनात रहते हैं हजरतगंज जैसे इलाके में, पर किसी भी पुलिसकर्मी की उन पर नजर नहीं गई। तो ऐसे में देखिए पुलिस की भी बड़ी लापरवाही, अगर वीडियो वायरल ना होता तो कहीं ना कहीं इस युवक के ऊपर कार्रवाई भी ना होती। जी शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो लखनऊ के हजरतगंज से ये मामला सामने आया है, जहां एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अब रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान दो बाइक सवारों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों बदमाश तेजी से बाइक लेके फरार हो गए। एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 25,000 का इनामी घायल। शातिर इनामी डकैत राजू को पुलिस की लगी गोली। नोएडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नोएडा से ये खबर बताई जा रही है, एक बार फिर बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस और बदमाश के बीच 25,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान दो बाइक सवारों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों बदमाश तेजी से बाइक भगा रहे थे। पुलिस ने जब घेराबंदी कर बाइक को पकड़ने का प्रयास किया तो पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश डकैत राजू पुलिस की गोली से घायल हो गया। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश पर यूपी सहित कई धाराओं में, कई राज्यों में मामला दर्ज है और नोएडा के थाना बिसरख पुलिस की साथ मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है। बिसरख पुलिस के द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे एक बदमाश जिसका नाम राजू है, वह शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। एक बदमाश फरार हो गया है, जिसके लिए पुलिस पार्टी काउंटिंग कर रही है। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, $1,100 बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुछ दिन पहले बीटाटू थाना क्षेत्र में इस गैंग के द्वारा सनसनीखेज डकैती की वारदात की गई थी, जिसमें इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसे अस्पताल भेजा गया है। नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे 25,000 का इनाम ही बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ और पुलिस की गिरफ्त में है, जहां दो बदमाश थे, एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में फरार हो गया। इस खबर पे हमारे संवाददाता अब तला जुड़ चुके हैं। तला, क्या कुछ जानकारी है नोएडा से? मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, इसमें कोई अपडेट?
देर रात का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस की चेकिंग के दौरान दो युवकों को पुलिस ने रोका और जब रोकने का प्रयास किया तो दोनों युवकों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की जवाबी फायरिंग में जो युवक है वो घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल जो दोनों पकड़े गए आरोपी है वो तमाम घटनाओं में वंचित थे और डकैती जैसी वारदात को अंजाम देते थे, लूट हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। तो कहीं ना कहीं देखिए जो यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन है वो जारी है और इसी क्रम में जो तमाम अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। जी शिकार जी, तलहा इस व्यक्ति के ऊपर कई मामले दर्ज है, अलग अलग राज्यों में भी मामले दर्ज है, कौन कौन से मामले दर्ज किए गए हैं इसके ऊपर? देखिए अगर बात की जाए तो इन लोग की क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई है और साथ साथ देखिए इनके ऊपर अगर आपराधिक मामलों की बात की जाए तो लूट हो गई, हत्या हो गई, डकैती हो गई और ऐसी तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं इन तमाम मामलों में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और अब इनकी पूरी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो निकाली जाएगी। और साथ साथ अगर आपको बता दें तो इससे पहले भी ये बदमाश एक बार और मुठभेड़ हुई थी, उसमें ये फरार हो गए थे, पर जिस तरह से कल देर रात ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। जी शिखा जी, तलहा बात करी जाए इन बदमाशों की तो इनके पास से क्या कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई है क्या? देखिए एक बाइक से थे, बाइक बरामद हुई है, साथ साथ एक हथियार जो था जो इनके पास जिससे इन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर फायरिंग की थी वो हथियार बरामद हुआ है और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि देखिए मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए थे और उनको अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था, अब उनका इलाज हो गया है, अब उनसे पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी और तमाम जो और घटनाएं हैं जो खुली नहीं है उनके बारे में भी पुलिस पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं देखिए इन दोनों बदमाशों को पकड़ने बाद कई बड़ी घटनाएं हैं जिनका खुलासा होगा। जी शिखा, तलहा एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए जब ये मुठभेड़ हुई तो अंधेरा काफी था, उसी वक्त जो झाड़ियां थी वहां पर उसके सहारे से वो बदमाश वहां से भाग गया था, फिलहाल उसकी तलाश में पुलिस ने देर रात कॉम्बिंग भी की और अभी भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कॉम्बिंग कर रहे हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उस बदमाश को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। तो नोएडा से खबर सामने आ रही है जहां 76 आरोपी को पकड़ा गया है। ब्रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां मोदीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन की चक्कर से तेंदुए की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम, तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है मोदीनगर से जहां तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है ये बड़ा हादसा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है, वन विभाग को और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक हादसे में तेंदुए की मौत हो गई है। मोदीनगर से बड़ा मामला सामने आया है जहां देर रात ये घटना हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है, अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तेंदुए के शव को। गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली सड़क पर यह हादसा हुआ और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। तला, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तेंदुए की मौत हुई है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए शिखा बिल्कुल, देर रात का ये हादसा है और हादसे वक्त का जो समय है वो 12 से लगभग 1 बजे के बीच बताया जा रहा है और वहां पे बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। फिलहाल जब इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी सूचना दी, मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची जिसने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल अब जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि देखिए तेंदुए की मौत हुई है हादसे में, कहीं ना कहीं जो वाहन थे एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो तमाम जो हाईवे है वहां पर वाहन जो है वो काफी तेज चलते हैं, तो ऐसे में तेंदुआ अचानक से निकला। अभी तक जो पुलिस बता रही है कि तेंदुआ अचानक से निकला और अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत हो गई। फिलहाल अब पुलिस उस पर भी जांच कर रही है कि आखिर किस गाड़ी से इस तेंदुए की
लड़ने से मौत हुई है। और साथ साथ देखिए, अगर आपको बता दें, जब ये घटना हुई तुरंत वन विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। मौके पर वन विभाग की जो टीम है, जो अधिकारी है, वो पहुंच गए थे और तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच में पुलिस और वन विभाग की जो टीम है वो जुटी हुई है। जी शिखा जी बिल्कुल, तला जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी जानकारी देते रहिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हम मोदी नगर में ये हादसा हुआ है, सड़क हादसे में तेंदुए की मौत हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, अंधविश्वास में परिजनों ने उठाया बड़ा कदम। अंधविश्वास का मामला सामने आ रहा है, जहां कब्र पर पूजा पाठ करने के बाद निकाला गया मृतक का शव। परिजनों ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 14 जनवरी को मासूम की हुई थी मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौत के बाद शव को बाहर निकाला गया है और 14 जनवरी को मासूम की मौत की बात सामने आ रही है। 15 जनवरी को कर दिया गया था अंतिम संस्कार, वहीं 17 जनवरी को कब्र से मासूम का शव दोबारा बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शव बाहर निकालने के बाद बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। परिजनों ने जिंदा होने के शक में शव को कब्र से बाहर निकाला। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए हैं। अबुतला, अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां कब्र से पूजा पाठ कर शव को बाहर निकाला गया, फिर बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए शिका, बिल्कुल आपको बता दें तो घटना दुबग्गा लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र की है, जहां पर 14 जनवरी को एक मासूम की मौत हुई थी। मासूम काफी समय से बीमार चल रहा था, उसके बाद 14 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी और 15 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार किया गया था, उसके शव को दफनाया गया था। हालांकि एक पंडित के जो परिजन थे वो पंडित के कॉन्टेक्ट में थे और पंडित ने कहा कि वो जो आपका बच्चा मरा है वो अभी जीवित है कब्र में। उसके बाद परिजनों ने जो कब्र तो कब्र पर पूजा पाठ करने के बाद कब्र से मासूम के शव को बाहर निकाला गया है। 14 जनवरी को मौत हो गई थी मासूम की, 15 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, तो वहीं 17 तारीख को फिर कब्र से बाहर शव निकाला गया और उसके बाद उसे बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों को ये शक था कि उनका बच्चा अभी जिंदा है और उसके बाद ही शव को कब्र से निकाला गया और निकालने के बाद सीधा बलरामपुर हॉस्पिटल लेके गए परिजन उस शव को, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन जब यह मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। जहां लखनऊ से ही अंधविश्वास की खबर सामने आ रही है, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है, जहां अंधविश्वास के चलते कुछ अपनों की ही बलि चढ़ा देते हैं, अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं, तो वहीं अब ऐसा मामला सामने आया है, हैरान करने वाला, जहां एक बच्चे को उसकी मौत के बाद जहां अंतिम संस्कार करके कब्र में दफना दिया गया था और वहीं शक के आधार पर उसे फिर से बाहर निकाला गया। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबुतला जुड़े हुए हैं। तला, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया गया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हम बता रहे आपको, तो 14 जनवरी को बच्चे की मौत हुई थी, काफी लंबे समय से बच्चा बीमार था और 15 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, उसके शव को दफना दिया गया था, पर जो मृतक के परिजन है वो किसी पंडित के कांटेक्ट में थे और पंडित ने उनसे कहा कि आपका बच्चा अभी भी जीवित है जो कब्र में है। तुरंत परिजनों ने जब तुरंत उसके बाद जो कब्र होती है उसको खुदवाना शुरू कर दिया और कब्र को खुदवा कर मासूम बच्चे के शव को बाहर निकाला गया और तुरंत परिजन उस बच्चे के शव को बलरामपुर अस्पताल लेके पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजन पंडित की बातों में इतना ज्यादा आ गए थे कि वो मानने को नहीं तैयार थे कि उनका बच्चे की मौत हो चुकी है, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनका बच्चा अभी भी कोमा में है। फिलहाल जब पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई, तब अस्पताल से ही मासूम बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अब मासूम बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं देखिए, ये अंधविश्वास का मामला है और ऐसे तमाम, चाहे वो पंडित हो चाहे वो मौलवी हो, वो इस तरह की के लोगों को अपने बहकावे में लेते हैं और बताते हैं। तो अब इस पूरे मामले पे देखिए, पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया और अब पूरे मामले पर पुलिस भी जांच करेगी और जांच के आधार पर जो पंडित है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, साथ साथ जो मृतक के परिजन है उनके ऊपर भी कार्रवाई कहने की बात कर रही है लखनऊ पुलिस। जी तलहा, अगर बात करी जाए मौत की, तो मृतक की मौत कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी या अस्पताल में हुई थी? क्योंकि शव निकालने के बाद वो सीधा बलरामपुर अस्पताल लेके गए थे युवक के शव को, तो मौत कहाँ हुई थी? क्या पहले इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि मौत हो चुकी है?
देखिए बिल्कुल अगर बता दें आपको तो मासूम बच्चा जो था वो काफी लंबे समय से बीमार था और उसकी जो मौत हुई थी वो घर पर ही हुई थी। तो इसी वजह से परिजन जो थे वो भी इस वजह से डाइवर्ट हो गए कि कहीं बच्चे की मौत घर बच्चा कोमा में था, घर पे ही मौत की पुष्टि की गई और उसके शव को दफना दिया गया। तो परिजन इस बात से भी हैरान थे कि कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि बच्चा कोमा में हो और उसको हम लोग ने दफना दिया हो, इसीलिए वो पंडित के बहकावे में आ गए और उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। और अगर आप बता दें जब दोबारा मृतक के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया बलरामपुर अस्पताल, तो अस्पताल वालों ने ही ये पुष्टि की कि लगभग 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बच्चे के मौत को। पर इस पूरे घटना की तुरंत अस्पताल की तरफ से और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची क्योंकि देखिए एक कब्र खोद कर एक कब्र को खोदने के लिए तमाम अधिकारियों की रजामंदी जरूर होनी चाहिए। तो उसके बाद भी एक शव कब्र को खोदा गया और उस बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। तो देखिए एक अपने आप में ही ये अपराध है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जरूर है कि जो पंडित जिस पंडित के टच में उनके परिवार वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई तो की जाएगी। साथ साथ इस तरह से कब्र को खोदकर बच्चे का मासूम बच्चे का शव निकाला गया है तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनके ऊपर भी लखनऊ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी शिखा जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पे भी जुड़े रहिए, जानकारी देते रहिए तला। और रुक करते अब अगली बड़ी खबर की तरफ जो है लखनऊ से। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की कोशिश करी जा रही है, अधिक से अधिक निवेश जुटाने की हो रही है तैयारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी तैयारी की जा रही है, अधिक से अधिक निवेश जुटाने की तैयारी की जा रही है। निवेश जुटाने के साथ मेहमानों के सत्कार की भी हो रही है तैयारी। चर्चित मैदान पर 10 से 12 फरवरी तक समिट का होगा आयोजन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने की कोशिश की जा रही है, अधिक से अधिक निवेश जुटाने की हो रही है तैयारी। निवेश जुटाने के साथ मेहमानों के सत्कार की हो रही है तैयारी। चर्चित मैदान पर 10 से 12 फरवरी तक समिट का होगा आयोजन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां निवेश जुटाने के साथ साथ मेहमानों के सत्कार की भी तैयारी हो रही है। चर्चित मैदान पर 10 से 12 फरवरी तक समिट का आयोजन होगा। और खबर पे हमारे साथ संवाददाता तलहा जुड़े हुए हैं। तलहा, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है, कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, वो चाहे मेहमानों का सत्कार हो या फिर इन्वेस्टर समिट में बड़े से बड़ा निवेश लाना हो, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल लगातार लंबे समय से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देखिए बैठकें चल रही हैं और तमाम विदेशों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं चाहे वो केंद्र के मंत्री हो वो विदेश भी गए थे निवेशकों को लाने के लिए। तो इसी में देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए के जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और लगातार इन तमाम चीजों को लेकर देखिए बैठक हो रही है। आज भी प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी, उसमें भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई थी। तो देखिए बड़े निवेश लाने की तैयारी है और जितने भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे, जो निवेशक हैं वो आएंगे तो उनको तमाम जो उत्तर प्रदेश में अच्छी जगहें हैं वहां पर उनको दिखाया जाएगा, उनकी जो खातिरदारी है वो अच्छे से की जाए, कहीं ना किसी चीज में कोई कमी ना हो। तो इसी को लेकर देखिए लगातार बैठक चल रही है और एक बड़ा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम जो निवेशक है जो विदेशी लोग हैं वो शामिल होंगे। और देखिए अयोध्या और अगर वाराणसी की बात की जाए तो काशी और अयोध्या ही ऐसी जगह है जहां पर पर्यटक जो आते हैं, तो ऐसे तमाम जगहों को भी चिन्हित किया गया है कि कहाँ पे जो निवेशक जो आएंगे उनको कौन कौन सी ऐसी जगहों पर घुमाया जाए जहां पर उनको जगह दिखाई जाए। तो तमाम चीजों को लेकर देखिए तैयारी चल रही है और लगातार चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो बैठक कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज में कोई कमी ना हो और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है वो बड़े धूमधाम से हो। जी शिखा जी, अबू तलहा, अगर बात करी जाए क्षेत्रों की तो कौन कौन से क्षेत्रों से निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए क्षेत्रों की बात की जाए चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे तमाम देखिए तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर निवेशक अपना निवेश करेंगे। तो देखिए अभी तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा निवेश मिलेगा क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर करना है क्योंकि जिस तरह से हालात एक बार हो चुके हैं कोविड टाइम में, तो तमाम चीजों को लेकर देखिए निवेशकों से चर्चा की जाएगी और बड़ी जो निवेश है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की ओर ज्यादा आएगा। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार जब हुआ था तो बड़ा जो निवेश है
वो आया था। और इस बार भी तमाम जो सरकार के मंत्री हैं उनका भी कहना है कि इस बार जो पिछली बार निवेश आया था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा निवेश आएगा। तो देखिए इसी को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्री हो, तमाम लोग बैठक कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, विदेश दौरे पे भी तमाम मंत्री जा चुके हैं। और अब जो विदेशी लोग हैं उनसे एक बड़ा जो निवेश है वो जरूर उत्तर प्रदेश में कराया जाएगा। जी शिखा जी, तलहा अगर बात करी जाए फिल्म इंडस्ट्री की, तो जिस तरह से नोएडा में एक और फिल्म सिटी बन रही है, भोजपुरी फिल्म सिटी भी बन रही है गोरखपुर में, और महाराष्ट्र भी गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ निवेश आने वाला है उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में तो एक बड़ा निवेश आएगा ही, और यही वजह है कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आने वाले सब बीते समय मुंबई गए थे और तमाम जो बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके साथ उन्होंने बैठकें भी की थी। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो नोएडा में फिल्म इंडस्ट्री फिल्म सिटी भी बन रही है, तो देखिए एक बड़ा निवेश फिल्म इंडस्ट्री को भी मिल सकता है। और लगातार जो 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 चर्चित एक्टर हैं, जो उन तमाम लोगों से, तमाम मंत्री हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं, तो देखिए एक बड़ा जो निवेश है वो जरूर फिल्म इंडस्ट्री पे आएगा। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बीएसएफ की पहाड़ीपुर पोस्ट से करीब 7 किलोमीटर भारतीय सीमा में गांव उच्चा डकाला तक पहुंच गया और बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ड्रोन के रास्ते फिर भेजे गए हथियार। बड़ी खबर आपको बता रहे गुरदासपुर से, जहां 4 पिस्टल 8 मैगजीन 47 राउंड भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीएसएफ के जवानों ने कई राउंड फायरिंग भी किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सर्च के दौरान बीएसएफ और पुलिस ने हथियार किए बरामद। गुरदासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पंजाब के गुरदासपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर ड्रोन के जरिए घुसपैठ का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरदासपुर से, ड्रोन के रास्ते फिर भेजे गए हथियार। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़े हुए हैं। तला, पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से घुसपैठ करता नजर आता है पाकिस्तानी ड्रोन? देखिए बिल्कुल शिखा, आपको बता दें तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर चुका है, जहां पर ड्रोन के जरिए वो हथियार की जो तस्करी है, जो सप्लाई है वो कर रहा था। ऐसे में जब देश के जवानों का नजर पड़ी सीमा पर कि देखा कि उन्होंने एक ड्रोन अंदर आ रहा है और हथियार से लेस था, तब जवानों ने फायरिंग कर दी और वो जो हथियार है वो वहीं पर बरामद कर लिए गए। तो देखिए इस तरह की जो हरकत है वो पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, और इस जो अभी ताजा मामला है इसमें 4 पिस्टल हो और 8 मैगजीन और 47 मतलब जो गोलियां है वो तमाम चीजें बरामद की गई। तो देखिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो सेना पर के सेना में तैनात जवान है उन्होंने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जो एक बड़ा कदम उठाया है। और देखिए सेना के जवानों ने इसको जो वो कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो कोशिश कर रहे थे किस तरह की घटना हो, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि आने वाले समय में 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी को लेकर देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है पूरे देश में। तो देखिए एक बड़ी घटना हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को सेना के जवानों ने रोका है। और इस पूरी घटना को लेकर देखिए अब एक हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है, और इस तरह की घटना तमाम इससे पहले भी देखी गई है कि ड्रोन के जरिए जो हथियार हैं वो सीमा में भेजे जा रहे थे। तो देखिए अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, और जांच में जो तमाम लोग हैं और भी जो लोग कई लोग इससे पहले गिरफ्तार किए गए हैं उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। जी शिखा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तला थे। तो बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलडी सरकार के नीतियों के विरोध में करेगी जनसंवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, आरएलडी सरकार की नीतियों के विरोध में करेगी जनसंवाद। सरकार की नीतियों के विरोध में घर घर जाकर करेगी जनसंवाद। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 फरवरी से इस कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। एक सप्ताह तक चलेगा विरोधी अभियान कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलडी सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंवाद करेगी। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। अबू तला, जिस तरह से आरएलडी सरकार की नीतियों का विरोध करेगी, जनसंवाद करेगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इससे?
हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं जहां आरएलडी सरकार की नीतियों के विरोध में जनसंवाद करेगी। सारे सरकार की नीतियों के विरोध में घर घर जाकर जनसंवाद किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मरीजों को सेवाएं न देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, सख्त नजर आ रहा है अब स्वास्थ्य विभाग। सर्जरी ना करने वाले डॉक्टरों का रिकॉर्ड होगा तलब। महानिदेशालय ने सभी अस्पताल प्रभारियों को पत्र भेजकर डॉक्टरों को मासिक रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। सरकारी अस्पतालों में पुनर्नियुक्ति पर तैनात हुए थे डॉक्टर, मेडिकल में अनफिट होने वाले डॉक्टरों की सेवाएं भी होंगी समाप्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मरीजों को सेवाएं ना देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग सख्त, सर्जरी ना करने वाले डॉक्टरों का रिकॉर्ड होगा तलब। महानिदेशालय ने सभी अस्पताल प्रभारियों को भेजा पत्र, पत्र भेजकर डॉक्टरों की मासिक रिपोर्ट की तलब। सरकारी अस्पतालों में पुनर्नियुक्ति पर तैनात डॉक्टर, मेडिकल में अनफिट होने वाले डॉक्टरों की सेवाएं भी होंगी समाप्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मरीजों को सेवाएं ना देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। सर्जरी ना करने वाले डॉक्टरों का रिकॉर्ड होगा तलब। महानिदेशालय ने सभी अस्पताल प्रभारियों को पत्र भेजा है, पत्र भेजकर डॉक्टरों को मासिक रिपोर्ट देने की बात कही गई है। अब मासिक रिपोर्ट तलब करी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में पुनर्नियुक्ति की जाएगी डॉक्टरों की, और साथ ही साथ डॉक्टर जो मेडिकल में अनफिट होने वाले डॉक्टर हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रही है लखनऊ से, जहां मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए डॉक्टरों का कोई बहाना नहीं चलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, मरीजों को सेवाएं ना देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग एकदम से एक्शन मोड में है, और देखा जाए तो बीते दिनों जिस हिसाब से बरसात के बाद डेंगू के मामले बढ़े और उसके बाद से कोरोना का एक भय पूरे प्रदेश में व्याप्त था, इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है कि लगातार अस्पतालों का विजिट करते रहे, दौरा करते रहे और स्थिति की जानकारी लेते गए। अभी पिछले दिनों जब चाइना में कोविड विस्फोट हुआ था तो उस समय भी यूपी में स्पेशल मॉक ड्रिल की गई थी, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे भी डॉक्टर पाए गए हैं लापरवाह, जो मरीजों का इलाज नहीं करते हैं और समय से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और नदारत रहते हैं अपनी ड्यूटी से, तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ शासन जो है कि कड़ा एक्शन लेने का रुख तय करेगा, और ऐसे डॉक्टर अब कहीं नहीं बच पाएंगे, सीधा सीधा उनका निलंबन होगा और साथ ही उनके जगह पर दूसरे डॉक्टर की तैनाती भी की जाएगी, और इसके लिए शासनादेश अब जारी होने वाला है। शिखा जी, जो मेडिकली अनफिट डॉक्टर हैं उनकी सेवाएं भी समाप्त की जाएंगी, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से युवाओं को अवसर भी मिलेगा क्या? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि तमाम जो है कि प्रदेश में युवा डॉक्टर हैं जिनको अभी जो है कि प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी सरकार चारों तरफ से अवसर देख रही है। ऐसे में जो मेडिकली अनफिट डॉक्टर हैं जो सेवा देने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं, उनका एक तरह से स्वास्थ्य विभाग से उनकी छुट्टी होगी और उनके जगह पे जो नवीन तैनाती होगी वो कम से कम जो नए युवा डॉक्टर जो रोजगार की तलाश में है और उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है उनकी नियुक्ति होगी। तो ऐसे में जो जो पीएमटी करके और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर अभी अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बेहतर अवसर होगा कि एक युवा डॉक्टर युवा सोच के साथ और बेहतर सेवा देगा अस्पतालों में मरीजों के लिए। इसके लिए भी सरकार तमाम कवायद शुरू कर रही है। इसमें जो मेडिकली अनफिट पुराने डॉक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं उनको सेवानिवृत्ति दी जाएगी और उनके जगह पे युवाओं को वहां पे तैनात किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे अब लखनऊ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरीजों को सेवाएं ना देने के मामले में स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 24 विकास प्राधिकरण में नहीं बने गरीब आवास, 24 विकास प्राधिकरण में 2 साल से नहीं बने गरीब आवास, बिल्डरों को गरीब आवास बनाने में दिलचस्पी नहीं। 2 साल में 41,000 मकानों के बदले बनाए गए सिर्फ 4,000 EWS। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीबों को आवास नहीं मिला है, लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के 24 विकास प्राधिकरण में नहीं बने गरीब आवास, 24 विकास प्राधिकरण में 2 साल से नहीं बने गरीब आवास, बिल्डरों को गरीब आवास बनाने में दिलचस्पी नहीं। 2 साल में 41,000 मकानों के बदले बनाए गए सिर्फ 4,000 EWS।
और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, बिल्डरों को गरीबों के लिए आवास बनाने में दिलचस्पी नहीं है, 41,000 मकानों को बनाना जिसमें सिर्फ 4,000 बने हैं, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे, 41,000 की जगह पर सिर्फ 4,000 ही आवास बनाए गए हैं, चूंकि गरीबों के लिए EWS आवास बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में एक चीज हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, तो लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 24 विकास प्राधिकरण में गरीब आवास नहीं बने हैं। 24 विकास प्राधिकरण में 2 साल बीत जाने के बाद गरीब आवास नहीं बने हैं, बिल्डरों को गरीब आवास बनाने में दिलचस्पी ही नहीं दिख रही है। 2 साल में 41,000 मकानों के बदले सिर्फ 4,000 EWS ही बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरीब आवास के लिए तरस रहे हैं, सर्दी का मौसम है, ऐसे में वो खुले आसमान के नीचे या फिर रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर हैं। और अगर बात करी जाए बिल्डरों की, तो उन्हें इन गरीबों की कोई सुध ही नहीं है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है ये? एक तरफ ठंड का मौसम है, गरीब सड़क पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन बिल्डरों को कोई पड़ी ही नहीं है सुध। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहां संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, तो बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां गरीब जो कि बेसहारा है, बेछत है, और इस ठंड के मौसम में भी वो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, रैन बसेरों में सोने को मजबूर है, इस पे बड़ी कार्रवाई बनती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज से अस्पतालों में लगी कोविड वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में करीब 1 महीने से ठप पड़ा था टीकाकरण, शासन से मिली है 42,700 यूनिट कोविशील्ड वैक्सीन, अस्पतालों में कोवैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद, जल्द से जल्द अब लोगों का होगा टीकाकरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, आज से अस्पतालों में लगेगी कोविड वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में करीब 1 महीने से ठप पड़ा था टीकाकरण, शासन से मिली 42,700 यूनिट कोविशील्ड वैक्सीन, अस्पतालों को वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद, जिले के 12 जिला चिकित्सालयों और शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा टीकाकरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा के साथ टीकाकरण स्थल पर भी पंजीकरण की सुविधा रहेगी उपलब्ध। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टीकाकरण एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, इस खबर पे हमारे संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर टीकाकरण की जो सुस्त हो चुकी रफ्तार थी वो अपनी गति पकड़ेगी और लोगों का तेजी से टीकाकरण किया जाएगा, केंद्र की तरफ से भी वैक्सीन की सुविधा दी गई, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि चूंकि पिछले दिनों देखा जाए तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोविड का कहर मचा था, चाहे चाइना हो या जापान हो, बेल्जियम हो या ब्रिटेन हो, तो उसको देखते हुए चूंकि भारत में तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल है उनको लागू किया गया, और साथ ही साथ एक जन संदेश दिया गया कि जो लोग कोविड का जो बूस्टर डोज है नहीं लगवाए हैं, जो टीकाकरण नहीं करवाए हैं, वो कम से कम अस्पतालों में जाएं और जो है टीकाकरण करवाएं। चूंकि देखा जाए तो लगभग लोग टीकाकरण करवा चुके थे, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो टीका लगवाने से परहेज कर रहे थे और बूस्टर डोज नहीं लगवाए थे कि अब कोविड चला गया है। तो इस सिचुएशन में चूंकि अब सरकार की तरफ से फिर से जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन का डोज है वो स्टेट को मुहैया कराया जा रहा है, और तमाम स्टेट जो है कि अब फिर से टीकाकरण शुरू करेंगे। इसी में अब जो राजधानी लखनऊ में भी कल से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 42,700 यूनिट कोविशील्ड मिली हुई है, जिससे टीकाकरण शुरू हो जाएगा, और इसको ग्रामीण अंचलों में भी जो अस्पताल है वहां भी ये टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसकी जो बुकिंग है वो जो पहले की तरह ही होगी, वो ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं, ऑफलाइन जहां केंद्र बनाए गए हैं वहां भी जाके आप अपना पंजीकरण के करा बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और जिनको नहीं टीका लगाया कोविड का वो अपना नवीन टीकाकरण करवा सकते हैं वहां पे जाके। जी पंकज, अगर बात करी जाए नई वैक्सीन की, तो वो भी अब जल्द ही लोगों को उपलब्ध होने लगेंगी, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
वहां संपर्क टूट गया है संवाददाता से। तो अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां शहरी और ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आ गया था जहां टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से सभी जागरूक हो रहे टीकाकरण को लेकर। जिन लोगों को बूस्टर डोज नहीं लगी है, उन लोगों को अब जल्द ही बूस्टर डोज उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के साथ साथ पंजीकरण की सुविधा स्थानीय भी होगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियों सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।